हाय फ्रेंड्स, आज के वर्कशॉप में हम जानेंगे इलेक्ट्रिक कैटल। इलेक्ट्रिक कैटल जिसमें हम पानी को गर्म करते हैं। ये हमारा इलेक्ट्रिक कैटल डैमेज हो चुका है, ये वर्क नहीं कर रहा है। तो इसे ओपन करने के साथ साथ इसे रिपेयर भी करेंगे और इसके हर एक पार्ट्स के बारे में जानेंगे कि किस तरीका से वर्क करता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, और मैं सारा चीज़ आपको एक्सप्लेन करूँगा ताकि आपको हर एक चीज़ इसके अंदर का पता चल जाए। और यदि आपका घर पर भी ये डैमेज हो, ख़राब हो, तो आप इसे ठीक कर सकते हो बड़े आसानी से। इसे आप वाटर हीटर जग भी कह सकते हैं और ये टेंडम कंपनी का है। इसके अंदर आप देख सकते हो ये पीला है। ये पीला इसलिए है क्योंकि यहाँ का जो वाटर है उसमें आयरन बहुत ही ज़्यादा है, इसीलिए ये इसके अंदर पीला हो चुका है। और यहाँ पर कुछ इसके बारे में दिया गया है, ये कितना वोल्ट पे वर्क करता है, इसका फ्रीक्वेंसी कितना है। तो इंडिया में जितना वोल्ट आता है 230 से लेके 240 पे वर्क करता है, इसका 50-60 हर्ज पे ये वर्क करता है। और ये है इसका इनपुट सप्लाई, इसी से इसमें इनपुट जाता है। यहाँ पर 3 वायर लगा हुआ है और यहाँ पर भी इसके बारे में दिया हुआ है, ये 1000 वाट का है। ये सब सारा इसमें दिया हुआ है, ये 1000 वाट का है। इसी के द्वारा इसमें इनपुट जाता है। यहाँ पर 3 वायर लगा हुआ है, एक लाइव, एक न्यूट्रल और एक अर्थिंग का। यदि गलती से भी इसके बॉडी में करंट आ जाता है तो ये अर्थिंग के द्वारा ज़मीन में चले जाए, इसलिए यहाँ पर अर्थिंग भी प्रोवाइड किया गया है। आप देख सकते हो यहाँ पर 3 वायर है। यहाँ पर बीच वाला जो है वो अर्थ है, ये साइड वाला लाइव है और इस साइड वाला जो है न्यूट्रल है। ये जो है ये लाइव है, यहाँ पर लिखा हुआ है एल, और इस साइड का न्यूट्रल है, बीच में जो है अर्थिंग है। यहाँ पर 3 वायर है इसलिए ये 3 वायर दिया गया है। यदि कोई भी गलती से करंट आ जाता है इसके बॉडी में तो इस अर्थिंग के द्वारा ये ज़मीन में चला जाएगा और आपको इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा। तो चलिए अब हम इसे ओपन करते हैं, देखेंगे इसके अंदर का कंस्ट्रक्शन किस तरह का है, ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। इसके पहले हम स्क्रू को ओपन कर लेते हैं। कैटल ओपन हो चुका है, इसके ऊपर वाला पार्ट को हटा देते हैं। आप देख सकते हो इसका अंदर का कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह का है। यहाँ पर आप देख सकते हो 2 LED बल्ब लगा हुआ था इसके कवर में, मैं उसे दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो 2 LED बल्ब लगा हुआ था यहाँ पे इंडिकेटर के लिए, लेकिन शायद इसका बल्ब टूट गया है, ये जंग लगने के कारण शायद टूट गया है। ये बहुत दिन से इसी तरीका से था, वाटर इसके अंदर शायद चला गया होगा और जंग लगने के कारण यहाँ पे ये टूट गया होगा इसके नमी के कारण। यहाँ पे आप देख सकते हो 2 वायर इस साइड है, 2 वायर इस साइड है, यही दोनों वायर शायद इसके LED में लगा हुआ था। यहाँ पर इसे टेप मार के छोड़ दिया गया है ताकि इसके बॉडी में करंट नहीं है, इसका जो वायर है इसके बॉडी में नहीं टच हुआ, करंट नहीं है। तो इस दोनों वायर को हमें छोड़ देना है इसी तरीका से। आप चाहो तो इसके जो जर जहाँ से ये वायर निकला हुआ है वहाँ से इसे काट के हटा सकते हो, या फिर दूसरा बल्ब लगा के वहाँ पर लगा सकते हो। हम इस वायर को अभी वैसे ही छोड़ देंगे और टेप मार के छोड़ देंगे इसके लास्ट में। पहले हम इसका वर्किंग के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो इसका हीटिंग एलिमेंट जो है, ये राउंड शेप का जो है, यही इसका हीटिंग एलिमेंट है। और इसमें जो इसी सप्लाई आता है यहाँ से आता है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से यहाँ पर 3 वायर है, यहाँ से ये इस वायर के थ्रू यहाँ पे आता है, और यहाँ पे आप देख सकते हो इस वायर के थ्रू यहाँ पे आया और इस राउंड शेप में आने के बाद यहाँ से ये अंदर चला गया है। यहाँ पे आप ये वायर देख सकते हो, यहाँ से अंदर चला गया है और यही वायर इस दोनों लेयर के बीच में यहाँ पर चला गया है। यहाँ पर एक सेंसर लगा हुआ है, जब आपका पानी बॉयल हो जाएगा तो ये हीट करना बंद कर देगा, फिर इस तरीके से आया है और यहाँ पर आ गया है। यही जो इसका है मेन हीटिंग जो एलिमेंट है यही है। यदि आपका ये ख़राब हो जाता है और आपको पता नहीं चलता है कि हम इसे कैसे ठीक करें, तो आप क्या करना, 2 वायर ले लेना और 2 वायर को ये जो हीटिंग एलिमेंट है, हीटिंग एलिमेंट का वायर जहाँ से शुरू हुआ है उसी दोनों पॉइंट पे आप वायर लगा देना और उस दोनों वायर में 220 वोल्ट का सप्लाई दे देना। यदि आपका हीटिंग एलिमेंट गर्म हो रहा है इसका मतलब आप समझ जाना कि ये वर्क कर रहा है। अभी जब इसमें हम लगाएं देख सकते हो ये अभी हीट नहीं हो रहा है। चलिए इसे हम निकाल देते हैं और इसे रिपेयर करके देखते हैं इसमें एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं। या तो इसका जो सेंसर लगा हुआ है उसके सीरीज में लगा हुआ है, या तो इसका सेंसर ख़राब होगा, या फिर इसका वायर ख़राब होगा, या फिर हीटिंग एलिमेंट ख़राब होगा। तो वायर सबको आप टेस्ट कर सकते हो टेस्टर की मदद से, ये आप मल्टीमीटर की मदद से टेस्ट कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे ख्याल से इसका जो वायर सब रहता है वो बहुत ही अच्छा दिया हुआ रहता है, तो ये सब खराब होने का डर चांस बहुत ही कम रहता है। तो आप देखो पहले कहीं पे कार्बन तो नहीं लगा हुआ है, यदि कार्बन लगा हुआ है तो उसे साफ़ कर दो। उसके साफ़ करने के बाद भी यदि आपका नहीं चल रहा है तो आप मल्टीमीटर लगा के सभी वायर को चेक करो, यदि वायर भी सही है तो इसका सेंसर चेक कर लो आप। और यदि सेंसर नहीं काम कर रहा है तो ये दोनों वायर सेंसर में से दोनों वायर निकाल के डायरेक्ट आप आपस में कनेक्ट कर दो, सेंसर का कोई काम नहीं है। लेकिन इससे आपको ये होगा कि ये हमेशा बॉयल करता रह जाएगा, और जब जब ये बॉयल हो जाएगा तो उसके बाद ये हीटिंग बंद नहीं करेगा, सेंसर का यही काम है। आप देख सकते जब हम इसे साफ़ करके लगा दिए ये हीट होना शुरू हो चुका है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, इस पर आपको हम पानी डाल के दिखाएंगे आपको, तब आपको पता चलेगा ये हीट हो रहा है।
अब देख सकते हो जब हम इस पर पानी डालते हैं तो यह भाप बन के उड़ रहा है। चलिए अब हम इसे बंद कर देते हैं, पैक कर देते हैं, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे ये कितना स्पीड में ये पानी गर्म करता है। यहाँ पे आप देख सकते हो इस जग में दो लेयर है, एक जिसमें पानी आप डालते हो और दूसरा ऊपर का लेयर है। दोनों के बीच में लगभग एक इंच का डिस्टेंस दिया गया है ताकि आपको जरा भी इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगे, इससे इलेक्ट्रिक शॉक लगने का खतरा नहीं हो, इसीलिए इस तरीका से बनाया गया है। इस इलेक्ट्रिक कैटल का जो दोनों इंडिकेटर का वायर है इसे हम उसी तरीका से बांध के छोड़ देते हैं और इसके ऊपर फाइबर स्लीव लगा देते हैं ताकि इसका जो वायर है इसके बॉडी में जरा भी टच होने का शंका नहीं रहे, और इस दोनों वायर को इसी तरह का बांध करके यहाँ पर छोड़ देंगे। अभी ये हीट होगा क्योंकि हम इसमें 220 वोल्ट का सप्लाई दिए थे, तो ये हीट होगा इसीलिए इसमें टच करने का कोशिश नहीं करना अभी, क्योंकि ये हीट है आपका हाथ जल सकता है। तो चलिए इसे हम पैक कर देते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। इसके नीचे वाले पार्ट को भी हम पैक कर देते हैं जिससे इस कैटल में 220 वोल्ट का सप्लाई आता है। अब हम इसे थोड़ा सा पानी बॉयल करके देखते हैं ये कितना स्पीड में बॉयल होता है। थोड़ी देर में ये बॉयल होना शुरू हो जाएगा, आप देख सकते हो ये बॉयल होना शुरू हो चुका है और ये कुछ देर के बाद ये बॉयलिंग बंद हो जाएगा क्योंकि ये हीट करना बंद हो जा बंद कर देता है। जब ये 100 डिग्री पर इसका वाटर पहुंचता है उसके बाद ये हीट करना बंद कर देता है सेंसर के कारण।